Hey, what's up guys, this is TA and you are watching online money as usual. अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको ही ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट मैं दे सकूं आपके मोबाइल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट वेपन इन ऑनलाइन एंड आई थिंक इन ऑफलाइन ऑल्सो, बट ऑनलाइन की हम बात करते हैं तो हम ऑनलाइन की ही बात करेंगे। और ऑनलाइन में ये बहुत बड़ा वेपन है मार्केटिंग। अगर आप बोलते हो कि एक प्रोडक्ट बॉम है तो मैं बोलूँगा मार्केटिंग आइटम बॉम है, क्योंकि गाइज आप जितने भी बड़े मार्केटर्स हैं जो हमारे इंडिया के नहीं हैं, हमारे इंडिया से बाहर के हैं या इंडिया के हैं, उनसे आप पूछ लो, आज का जो समय है वो है मार्केटिंग का एरा। दिस इज एरा नोन एज मार्केटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू गेट ह्यूज सक्सेस इन बिजनेस। आपका प्रोडक्ट क्या है मायने नहीं रखता, आपका प्रोडक्ट कितना घटिया है मायने नहीं रखता। अगर अच्छा है तो वो सोने पे सुहागा हो गया, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा कम है किसी अच्छे प्रोडक्ट से, थोड़ा सा घटिया है किसी अच्छे प्रोडक्ट से, तो ये मायने नहीं रखता। यहाँ आपका प्रोडक्ट बोलने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि हर प्रोडक्ट आपका हो, आप दूसरों का भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो और उनके प्रोडक्ट्स को बेच के काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इट्स कॉल्ड एफिलिएट, जो मैं हमेशा बात करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपने कोई ख़राब प्रोडक्ट ले लिया है एफिलिएट करने के लिए, या आपने कोई ख़राब प्रोडक्ट बना दिया है एफिलिएट करने के लिए, या आपने कोई ई बुक बना डाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ई बुक का क्या प्रोसेस है, $5 को आप मिलियंस ऑफ डॉलर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो या $1000 में मंथली कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको ये बताया था। आई थिंक आपने देखी नहीं होगी या देख ली होगी, तो अगर नहीं देखी तो जाके देख लो, अगर देख ली है तो आपको अच्छा है, समझ में आएगी चीज़ें। तो बताया था जैसे, तो अगर आपके पास ये तीनों थोड़ी घटिया हो गई है या अच्छी है, तो मैंने बोला ना सोने पे सुहागा, तो उसके लिए ऑफेंस मत होना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मार्केटिंग आज के देर में किस तरह कितना यूजफुल है। ओके, सो गुस्सा वुस्सा मत करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, प्लीज़ लाइक, और नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन प्रेस करो ताकि आपको ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। डोंट गो फॉर हाइप्स, गो फॉर द बेस्ट वैल्यूएबल बिजनेसेस, डोंट गो फॉर द हाइप्स। आजकल लोग हाइप में लगे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, सोचते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, ओवरनाइट मिलियंस अर्न करना है, तो नहीं हो सकता गाइस। कम से कम 6 महीना आपको लग के कॉन्सेंट्रेट करके एंड फोकस करके काम करना होगा, तभी आप सक्सेस गैदर करोगे। सो दोस्तों आपको करना है अगर सक्सेस गैदर, तो करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें दे रहा हूँ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे फेसबुक या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जहाँ आपको मुझसे बात करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता। आप डिस्कस कर सकते हो अपने बिजनेस के बारे में और मैं आपको सिखा सकता हूँ मार्केटिंग, मैं आपको सिखा सकता हूँ कि आप कैसे ऑनलाइन में पैसा बना सकते हो, मैं सिखा सकता हूँ आप कैसे स्पीक अपने वैल्यू, अपने वीडियो से कितना सेल्स जनरेट कर सकते हो इन ऑनलाइन मार्केटिंग। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बता सकता हूँ, तो आपको उसके लिए मुझे करना होगा कनेक्ट अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक से। सो हम बात कर रहे थे मार्केटिंग की। मार्केटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूडेज लाइफ। आप गैरवी ले लो, आप ग्रैंड ले लो, बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े मार्केटर हैं, टाइलर्स, मतलब बहुत सारे जो बड़े बड़े मार्केटर्स हैं, उनकी वीडियोज अगर आप फॉलो करते हो तो उनका आजकल का उनका भी यही कहना है कि मार्केटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा खराब हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी मार्केटिंग सॉलिड है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ करना क्या है, करना ये है जाके आपको फाइंड करना है सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को जिनके पास प्रोडक्ट तो है लेकिन वो मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, समझे बात को, जिनके पास प्रोडक्ट तो है लेकिन वो मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। ओके, मतलब भाई प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन मार्केटिंग नहीं कर पा रहे तो कैसे चलेगा। तो आपको उनसे करना है कनेक्ट और उनको कहना है कि दोस्त आप मुझे चांस दो, मैं आपका ये जो सामान है इतना बिकवा दूंगा और आप मुझे इतना परसेंटेज दोगे। गाइस देखो, मैं पहले भी कहा हूँ, अभी भी कहता हूँ, मैं जो भी चीज़ें लाता हूँ लॉजिक से लाता हूँ। अगर बताओ इसमें लॉजिक नहीं है तो मत देखो इस वीडियो को, स्किप करो, बंद करो। गाइस लॉजिक की बात कर रहा हूँ, ये डील्स होती हैं, कैसे डील्स होती हैं,
ऐसे ही होता है ना कि अगर आपके पास कोई कंपनी है तो आपके पास कोई कंपनी है मान लो जिसकी चीज़ें आप नहीं बेच पा रहे हो, ठीक है, मैं अपना वहाँ ऑनलाइन का ब्रांड लगा दूंगा कि ऑनलाइन मनी का ब्रांड है, तो उसकी चीज़ें बिकना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वैसे ही यहाँ कैसे करना है आपको कि वो चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको मार्केटिंग नहीं आ रही, मार्केटिंग नहीं कर पा रहा है, तो उससे बोलो कि मुझे चीज़ें दे, मैं मार्केटिंग करता हूँ आपके लिए और आपको ला के देता हूँ रिजल्ट्स, लेकिन मुझे इतना परसेंटेज चाहिए। हाँ, जब आप ऐसे फेस टू फेस किसी ऑनर से बात कर रहे हो या उससे ईमेल से बात कर रहे हो, जिससे भी बात कर रहे हो, मतलब उससे सामने टू सामने बात हो रही है ना, बीच में कोई तीसरा थर्ड पार्टी पर्सन तो है नहीं, तो आप दोनों ही हो, तो आप दोनों जब सामने सामने बात करो तो सीधा आप डिमांड कर सकते हो कि इतना परसेंटेज मुझे चाहिए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब डील्स होते हैं और काफ़ी लोग करते हैं, इवन मैंने भी किया और अभी भी करता हूँ। अगर मुझे अच्छी डील मिलती है तो मैं किसी के भी प्रोडक्ट के लिए काम करता हूँ, लेकिन लेकिन वो प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। मैंने जो वो उदाहरण दिया कि प्रोडक्ट में अगर दम नहीं है तब भी वो प्रोडक्ट चलेगा, वो अपने खुद का प्रोडक्ट, मतलब अगर आपने कोई खुद का प्रोडक्ट लॉन्च किया है और आपको लगता है यार ये तो 90% सही है लेकिन 10% कहीं मार्केट से डगमगा रहा है, तो उस समय आपको बेस्ट मार्केटिंग यूज़ करनी है, बेस्ट मार्केटिंग ट्रिक्स यूज़ करना है। तो गाइज, मार्केटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको मार्केटिंग सीखनी है तो गूगल करो, मार्केटिंग के बारे में पढ़ो, कितनी ऑनलाइन मार्केटिंग है, कितनी ऑनलाइन मार्केटिंग चल रही है, वीडियो मार्केटिंग क्या होता है, इंगेजमेंट मार्केटिंग, FB, सोशल मीडिया, ऐसे बहुत सारी मार्केटिंग है जिसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे तो मैं मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस डाल के, फ्लैश लाइट डाल के कुछ वीडियोज बना दूंगा जिसमें आपको मैं अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता दूंगा जैसे आपको मार्केट को पकड़ना है, ठीक है। तो बी कॉन्फिडेंट, बी फोकस, मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट, अपने दिमाग में डाल लो और मार्केटिंग करना थोड़ा थोड़ा सीखो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मार्केटिंग के बारे में समझना स्टार्ट करो। और अगर अच्छी वीडियो चाहिए मार्केटिंग के बारे में तो कमेंट करो, आई वॉन्ट मार्केटिंग वीडियो एंड शेयर विथ योर फेसबुक प्रोफाइल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, शेयर विथ योर व्हाट्सएप ग्रुप्स। सो प्लीज गाइस शेयर करो इस वीडियो को। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।